हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी वर्कबुक के सॉल्यूशन क्लास 9th के विषय गणित विज्ञान और इंग्लिश के। तो सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक हमने डन कर ली है, कंप्लीट कर ली है। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और जल्द ही हम विषय विज्ञान सब्जेक्ट साइंस की भी वर्कबुक डन कर लेंगे। तो जुड़े रहिएगा इसी तरह हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ सके और जल्द ही आप सभी सॉल्यूशन देख सके। तो यहाँ हम देखेंगे इस पाठ में कार्यपत्रक 56 और कार्यपत्रक 57 का सॉल्यूशन, दो कार्यपत्रक देखना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कार्यपत्रक 56 देखेंगे। सबसे पहले वर्कशीट 56, फसल उगाने हेतु किसानों द्वारा किए जाने वाला क्रियाकलापों को क्रिया क्रमानुसार लिखिए। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, देन हल चलाना, देन बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, देन कटाई, देन भंडारण। आपके परिवेश में पाए जाने वाले के लिए चार कृषि औजारों के नाम लिखिए, कुदाली, परात, फावड़ा, खुरपी। ये सभी कृषि औजारों में काम में ली जाती है। बुआई से पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए आवश्यक प्रमुख औजार कौन कौन से हैं, हल और कल्टीवेटर। बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के नाम लिखिए, परंपरागत कीव, सीड ड्रिल। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कल्टीवेटर। आजकल बुआई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल क्या होता है? बुआई के लिए आधुनिक ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। सीड ड्रिल से बुआई करने से बीज मिट्टी से ढक जाता है एवं पक्षियों द्वारा नहीं खाया जा सकता। इससे समय व श्रम दोनों की बचत होती है। तो दोनों का अंतर समझ लिया है यहाँ पर। तो ये डन होता है कार्यपत्र 56 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 57। फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल उगाते समय यदि पौधों फसलों को के समय पर पानी व पोषक तत्व नहीं दिए जाए तो पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी व पोषक तत्वों के अभाव में पौधे दुर्बल होंगे या मर जाएंगे। आपके गांव शहर में सिंचाई के कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं? किन्हीं चार के नाम बताएं, कुआं, नहर, नदी और बांध। निम्नलिखित में से सिंचाई के पारंपरिक तरीके एवं आधुनिक तरीकों की छटनी कीजिए, जैसे मोट छिड़नी, छैनपम्प, ठेकली, रहर, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। तो सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके उनमें आ जाएगा मोट, रहर, छैनपम्प, ठेकली, और सिंचाई के आधुनिक तरीकों में आ जाएगा छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। सिंचाई के आधुनिक तरीकों के नाम बताएं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, जिसे बूंद बूंद करके पानी का ड्रिप तंत्र तो होता है, बूंद बूंद करके ड्रिप गिरती रहती है पौधों में। और छिड़काव तंत्र देखिए, आपने देखा होगा कि चारों तरफ वो घूमता रहता है और पानी का छिड़काव देता रहता है, ठीक है। तो ये आजकल आधुनिक तरीके हैं सिंचाई के। सिक्स क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। फसल पक जाने पर उसे काटना कटाई कहलाता है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 57, वर्कशीट 57 और वर्कशीट 56 का सॉल्यूशन। इसके साथ ही हम आगे के कार्यपत्रक भी जल्द ही देखेंगे। और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हम देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।